हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं ये एम्प्लॉई आईडी दी गई है और ये एम्प्लॉई का नेम है। तो यहां से अगर व्यू पे जाते हैं आप तो आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉई आईडी थी जिसका डेटा टाइप मैंने नंबर रखा था और ये एम्प्लॉई का नेम है तो इसे इसका डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। बहुत बार रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि आप सैलरी को लेकर के कुछ बनाइए ऐसा सॉफ्टवेयर, तो चलिए एक आउटलाइन देखते हैं हम कि कैसे हम ये डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर सैलरी के लिए। ठीक है, उसमें टीए होगा, डीए होगा और भी तमाम चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो ये तो एक टेबल हो गई जिसको मैंने नाम दिया है सैलरी। दूसरी टेबल बनाते हैं जिसमें पूरी सैलरी की डिटेल हम देंगे और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ सैलरी डी, यानी सैलरी डिटेल। ठीक है, तो ये सैलरी डी कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आईडी आ रही है, इसको हम ज्यो कहते हैं आईडी ही छोड़ देते हैं क्योंकि पहली वाली जो फील्ड है इसमें हमने एम्प्लॉई आईडी लिया है और इसे प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, और इस वाले फील्ड में यहाँ पर हम इसको आईडी रखते हैं, ऑटो नंबर रख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एम्प्लॉई आईडी। तो बस यहाँ पे लिखिए एम्प्लॉई और यहाँ पे लिख दीजिए आईडी, तो ये हो गया एम्प्लॉई आईडी। और यहाँ पर क्या करना है, नंबर डेटा टाइप हमें देना है। क्लियर, अब ये एम्प्लॉई आईडी तो हो गया, यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉई भी आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉई जो है, अगर आपने पहले टेबल, जैसे कि मैंने सैलरी का एक टेबल बनाया हुआ है इसमें आपने दे रखा है, तो आपको इस टेबल में देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने पहले टेबल में दे रखा है तो मुझे यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉई नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें एक और फील्ड है जो कि एम्प्लॉई आईडी है, तो एम्प्लॉई आईडी इसमें भी रहेगा, दोनों में रहेगा क्योंकि इसी को हम इसी के थ्रू हम लिंक कराएंगे दोनों टेबल को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं हम टीए, तो ये लिख दिया मैंने टीए। ठीक है, और टीए के भी पहले हमें सैलरी देनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी, तो ये लिख दिया सैलरी। और सैलरी होगी करेंसी डेटा टाइप, तो यहाँ से आप करेंसी चूज कर लें, ये हो गया करेंसी। और बस यहाँ पे टीए और डीए दे दीजिए, तो ये दे दिया टीए। ध्यान रखिएगा कि टीए का जो डेटा टाइप होगा वो आपको रखना है नंबर, और नंबर रखना है और यहाँ पर माउस का कर्सर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम इसे डबल बना लेते हैं, ये सिंगल है और यहाँ पे आ जाते हैं इसे डबल बना लेते हैं ताकि डेसिमल वैल्यूज भी वेगन टाइप ऑल्सो। तो ये परसेंटेज कर दिया हमने, परसेंट कर दिया है यहाँ पे, और फॉर्मेट इसका परसेंट ही रखेंगे हम। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे डीए कर देते हैं, तो ये डीए कर दिया और यहाँ पे नंबर डेटा टाइप रखते हुए डबल बना लेंगे ताकि हम डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाएं, यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे परसेंट रख लीजिए, तो ये परसेंट भी रख लिया हमने। और परसेंट रखने के बाद हमको अमाउंट भी तो कैलकुलेट करना है कि कितना कितना कटा है, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ टीए। तो पहले टीए का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये अमाउंट ऑफ टीए लिख दिया और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का प्रयोग हमें करना है। ध्यान रखिएगा कैलकुलेटेड ही लेना है अगर आप 2016 यूज कर रहे हैं तो, और अगर 2007 यूज कर रहे हैं तो आपको क्वेरी डिजाइन में जाकर क्वेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमने बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं सैलरी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सैलरी लिखने के बाद इंटू लगाइए और बस आपको कर देना है टीए इंटू टीए, और कुछ नहीं लिखना, बाकी चीजें कैलकुलेट ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब अमाउंट ऑफ डीए कर देते हैं, ए अमाउंट ऑफ डीए, तो डीए का अमाउंट कितना लगा ये भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का प्रयोग करना है आपको, कैलकुलेटेड ले लिया हमने और यहाँ पे दे दीजिए सैलरी, तो ये लिख दिया मैंने सैलरी कुछ इस तरीके से। और सैलरी लिखने के बाद इनटू लगाइए और इनटू लगाने के बाद यहाँ पे दे दीजिए आप सिंपली डीए, तो आपको डीए ही देना है क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बना दिया है। तो ये हो गया, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए इसको, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब एक बार चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1001 से हमने एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर भी हमें 1001 ही देना होगा। तो यहाँ पे 1001 लिखा हमने और यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, तो मान लीजिए 20,000 सैलरी है, तो ये 20,000 दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए 3% जो है यहाँ पे कटा है इनका टीए, तो 3% के हिसाब से यहाँ पे देखिए 600 रुपए कैलकुलेट होकर आ गया है। ठीक है, अब डीए की बात कर लेते हैं, डीए यहाँ पे दे देंगे हम लाइक 2%, तो ये 2% डीए जैसे ही देते हैं तो यहाँ पे 400 ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों ही को हम पहले सेव करते हैं और फिर क्लोज करते हैं क्योंकि अब हमें रिलेशनशिप की बात करनी है। तो ये हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमें डेटाबेस टूल्स पे जाके और रिलेशनशिप पे जाना है। और यहाँ पे देखिए सैलरी और सैलरी डी दोनों टेबल आ रही है, तो दोनों ही टेबल को ले लीजिए। ठीक है, ये ले लिया
अब आपकी मेन टेबल ये है, तो आप एम्प्लॉई आईडी को उठाइए और इसी के सामने रख दीजिए, ठीक है। ये रख दिया, यहां पे इनक्रोस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इन तीनों पर टिक करके वन टू मेनी रिलेशनशिप आप क्रिएट करा लीजिए। ये काम हो गया, इसको सेव करके और फिर यहां से आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहां से इसको क्लोज कर दें, तो अब आप जब जैसे ही सैलरी पे जाएंगे तो यहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी डिटेल, कितना टीए कटा, कितना डीए कटा, ये सारी डिटेल भी आपको नजर आएगी। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, और इसके लिए आप फिर फॉर्म डिजाइन करिए यहां पे जा करके, और फिर फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये फॉर्म विजार्ड पे चले जाइए, और फॉर्म विजार्ड पे जाने के बाद ये आपकी मेन टेबल है, तो एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम ले लीजिए, और फिर यहां पे सैलरी की डिटेल चाहिए तो सैलरी डी वाले टेबल से क्या-क्या फील्ड्स आपको चाहिए वो ले लीजिए। लाइक सैलरी चाहिए हमें, टीए चाहिए, डीए चाहिए, अमाउंट ऑफ टीए, अमाउंट ऑफ डीए, ठीक है। और भी कुछ अगर आप फील्ड लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सैलरी को ही मेन टेबल बनाना है, इसके लिए सब फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, तो ये यहां पर आकर के, और डेटा शीट व्यू में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए वो देख लीजिए। फिलहाल मैंने डेटा शीट किया, बस यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें इस तरीके से आ जाएंगी आपके सामने, देख रहे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर लाइक लुक आपके सामने आ गया है, और अब इसको सेव कर लीजिए, इसको भी सेव कर लिया हमने। अब हमें इसे डिजाइन व्यू पे लेना है, और यहां पर आपको दिखेगी प्रॉपर्टी शीट, ठीक है। तो हमने फॉर्म ही बनाया है, तो यहां से पॉपअप को आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप पॉपअप को यस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरा लुक जो है सॉफ्टवेयर जैसा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर व्यू पे जाइएगा, और व्यू पे जाने के बाद सेटिंग करिए इसको। सेटिंग कैसे करेंगे, सेटिंग ऐसे करेंगे कि यहां पर देखिए, ये जो सब फॉर्म आपने बनाया, तो सब फॉर्म और ये सैलरी के लिए जो बनाया है, दोनों ही को हमको सेटिंग करना होगा। तो सेटिंग कैसे करेंगे, देखिए ये है ना, यहां पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद यहां पर होम टैब पे आइए, और यहां पे बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूं। बैकग्राउंड हमको ये वाला कलर ठीक लग रहा है, तो ये वाला कलर रख लेते हैं, और ऊपर सैलरी शीट में कर देता हूं, सैलरी शीट, ठीक है। तो ये कर दिया सैलरी शीट, तो ये सैलरी शीट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको रिपोर्ट डिजाइन करते वक्त ये ध्यान देना होगा कि एक अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी, ताकि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय का चीज कोई सर्च करें तो उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ही डिटेल खुल करके आए, तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां से कंट्रोल ए प्रेस किया, इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, देख रहे हैं। और यहां से इस टेबल को खींच करके अगर आप बड़ा करते हैं ये लाइक दैट, तो अभी भी ये टीए और डीए ये चीजें हमको पूरी पूरी नजर नहीं आ रही है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो ये नजर आने लगेगा, और डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहां से और सेटिंग कर लीजिए, ये डिस्प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से डिजाइन व्यू पे ले लेता हूं, देख दिखाता हूं क्यों नहीं ये डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए ये छोटा है, इसको यहां से खींचिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये सारी चीजों हो जाएगा, ये हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्लिक करेंगे तो अब आपको दिखाई देगा टीए डीए सब दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। और यहां से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखिए ये स्क्रॉल करेंगे तो पूरा डिटेल आपके सामने खुल करके आएगा। तो यहां नाम दिख ही रहा है और सारी चीजें दिख रही हैं। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर पाएंगे, इसके लिए रिपोर्ट भी चाहे तो डिजाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू।